सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे बड़ा नाम कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिटानी का भी है। सिद्धार्थ पिटानी वो इंसान है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार देखा था, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को उस हालत में देखा था। अब यहाँ पर सिद्धार्थ पिटानी जो है ईडी के पास आ जाकर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ और ये बातें हैं, चलिए आपको बताते हैं। वेल हैलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में ईडी आज पूछताछ करने वाली है सिद्धार्थ पिटानी से। सिद्धार्थ पिटानी वो दोस्त है रिया चक्रवर्ती के, जो ऑफकोर्स रिया और सुशांत दोनों की दोस्त थे और साथ में एक साथ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आकर कहते हैं न्यूज़ चैनल में कि मुझे कुछ भी नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। सो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ पिटानी भी सस्पेक्ट इसीलिए कहे जा रहे हैं या माने जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिटानी भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे रिया के साथ, और सिद्धार्थ और रिया की कॉन्वर्सेशंस भी हुई हैं। एंड ऑल्सो रिया के सर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें सिद्धार्थ पिटानी के जो गवाही है वो ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि सिद्धार्थ ही वो व्यक्ति हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ पूरा टाइम रहते थे और उनके घर पर रहते थे, उनके रूममेट थे। ही मस्ट बी अवेयर ऑफ थिंग्स, इस तरह की बातें हैं सामने। और कहीं ना कहीं सुशांत के वर्किंग पार्टनर भी थे, उनके साथ काम करते थे, वो लोग चीज़ों पर बैठकर डिस्कशन करते थे। ऐसे में सिद्धार्थ पिटानी को चीज़ें मालूम होना जायज़ बात है और ऑब्वियस बात है। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिटानी से आज ईडी जो है डेफिनेटली सिद्धार्थ पिटानी पहुंच चुके हैं ईडी के ऑफिस में, आपको बता दूं, और पहुंच चुके हैं और वहां पर तमाम बातें होने वाली है उनकी और ईडी के बीच में, और क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं सामने मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा के साथ।